दिस इज़ बिनर राणा, और आज मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स की ट्रैकिंग हम गोनाटिक में कैसे करते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स ट्रैकिंग होती क्या है? ई कॉमर्स ट्रैकिंग गूगल एनालिटिक का एक फ्यूचर है, जिसमें हम वेबसाइट के ई कॉमर्स डाटा को गोनाटिक में ट्रैक करते हैं। ई कॉमर्स डाटा से मतलब क्या है? ई कॉमर्स डाटा में दो तरह का डाटा होता है, एक होता है ट्रांजेक्शन डाटा और एक होता है आपका आइटम डाटा। ट्रांजेक्शन डाटा में क्या होगा? आपकी ट्रांजेक्शन आईडी होगी, स्टोर का नेम होगा लाइक आपकी वेबसाइट, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, टोटल शिपिंग कॉस्ट, टोटल टैक्स, ठीक है। आइटम डाटा में क्या होगा? आपका ट्रांजेक्शन आईडी होगी, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन आईडी वही होगी जो ट्रांजेक्शन डाटा की है, सेम, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम होगा लाइक आपने कोई केक ऑर्डर किया है, जैसे चॉकलेट केक, ठीक है, उस प्रोडक्ट का एसक्यू नंबर होगा, ये होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी लाइक जैसे आपने केक ऑर्डर किया है तो केक कैटेगरी होगी, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी, राइट। तो इस ई कॉमर्स डाटा को हम गूगल एनालिटिक्स में कैसे ट्रैक करेंगे? ठीक है, लेट सपोज इस वेबसाइट के लिए मुझे ई कॉमर्स ट्रैकिंग सेटअप करनी है, राइट, तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना है? एनालिटिक लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मुझे एडमिन टैब पे क्लिक करना है, देन उसके बाद मुझे ई कॉमर्स सेटिंग पे क्लिक करना है। तो इस सेटिंग को आपको इनेबल करना है, ठीक है, देन उसके बाद आपको कर देना है सेव। लाइक किसी यूजर ने को केक ऑर्डर किया, ठीक है, प्लेस ऑर्डर, इस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन मैं गोनाटिक में देखूंगा कैसे? ठीक है, तो उसके लिए मुझे गोनाटिक में जाना है, ठीक है, और कन्वर्जन टैब पे क्लिक करना है, देन उसके बाद ई कॉमर्स टैब पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी मैंने ये ऑर्डर किया है, ट्रांजेक्शन हुई है एक, ठीक है, रेवेन्यू हुआ है 1598 रुपये का, ठीक है, 1598 रुपये का, ठीक है, 4 अगस्त को किया मैंने, तो ये डेट भी दिखा देता हूँ, 4 अगस्त, ठीक है। क्वांटिटी दो हैं तो मैंने दो ऑर्डर किए हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन डिटेल हो गई आपकी, ये प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रोडक्ट का एसक्यू नंबर हो गया, तो प्रोडक्ट कैटेगरी केक, ठीक है, सोर्स एंड मीडियम भी देख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट आया है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्ट की डिटेल हो गई, आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम ई कॉमर्स ट्रैकिंग सेटअप करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, राइट। इस टॉपिक के रिगार्डिंग यदि किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।